हैदराबाद में एक भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी। उसमें हमारे बहुत ही लोकप्रिय वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में वहाँ पर जब प्रस्ताव पारित हुआ था भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति का, तो उसमें उन्होंने उस चीज़ को बोला था कि भाई हमारा हिंदुस्तान में जो पसमानदा है मुस्लिम समाज है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए हम काम करेंगे, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, और जो हमारी योजनाएं हैं वो उन तक कैसे पहुंचे उसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी और सरकार काम करेगी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने मुस्लिम पसमानदा समाज उत्थान समिति संघ का रजिस्ट्रेशन कराया। संस्था बनी है पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ। पसमानदा मतलब पिछड़े, अति पिछड़े मुस्लिम समाज के लोग हैं, सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, जो कारोबार से पिछड़ गए हैं, जो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं वो हमारे ही भाई हैं, हमारे परिवारों में से ही हमारे मुल्क के भी हैं। बहुत सी सरकार आई, तो सरकारों ने वोट तो ली आपकी हमारी, मैं ही पसमानदा हूँ, आप ही पसमानदा हूँ, वोट तो ली, सरकार तो बनाई, परंतु उसका हमें 1% भी लाभ नहीं मिला। ना तो हमारे बच्चे पढ़ाए गए, ना हमारे कारोबार पर ध्यान दिया गया। हमें ये कह दिया कि आप ठेली रेहड़ी पटरी लगा, हम गुरबत की जिंदगी क्यों जिए, क्योंकि ये मुल्क मेरा है। पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ की एक बैठक हाजी शमसूल के राजीव नगर गुरुग्राम निवास स्थान पर हुई, जिसमें मुस्लिम समाज के दबे कुचले व पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए काम करने व उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर बल दिया गया। इसके लिए हरियाणा समेत पूरे हिंदुस्तान में अभियान चलाने पर भी बल दिया गया। बैठक में सदाब अली को पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनाने की भी घोषणा की गई। आपको बता दूं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग में जब ये कहा कि मुस्लिमों में भी सोशल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है और इसके साथ ही पसमानदा मुस्लिमों के विकास पर फोकस करने की बात की, तो देश में मुस्लिमों के इस तबके को लेकर भी एक बहस छिड़ गई। यानी मुस्लिम समाज का वो बड़ा हिस्सा जो मुस्लिम दबे हुए हैं, इसमें दलित और बैकवर्ड मुस्लिम आते हैं, जो मुस्लिम समाज में एक अलग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के इसी बात से प्रेरित होकर पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ बनाया गया। गुरुग्राम में आयोजित उक्त बैठक में मुख्य रूप से पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ के मुख्य संरक्षक इरफान अहमद, संरक्षक सरफराज अली, राष्ट्रीय अध्यक्ष आसान अब्बासी, सादाब अली, हाजी शमसूल, गफ्फार मंसूरी, कासिम अंसारी, असलम आरिफ, आसान अब्बासी, सादाब अली का हाजी शमसूल व उनके समर्थकों द्वारा फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। आज हरियाणा के जो सबसे गुड़गांव जो है, एक तरीके से राजधानी तो वैसे हमारी चंडीगढ़ है हरियाणा की, बट इकोनॉमिक अगर राजधानी है हरियाणा की तो वो हमारा गुड़गांव है। और गुड़गांव के भी इस राजीव नगर में आज माशाल्लाह जो हमारी संस्था है, आपको इधर कैमरा भी करके दिखवा देता हूँ मैं, पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ जो रजिस्टर्ड हमारी संस्था है, जो मेरे लेफ्ट साइड में है एहसान अब्बासी साहब, ये हमारे समाज के सबसे एक दबी कुचली जो है एक उसमें आते हैं। अब्बासी आप समझ लो गांव में कौन होते हैं, मतलब हमारे गांव में उनको सक्का कहते हैं, जो मशक से पानी भरते हैं, लेकिन उन्होंने क्या मेहनत करके मजदूरी करके शहर में आए, और आकर जो है उन्होंने एहसान अब्बासी साहब ने पढ़ाई की, लिखाई की, लॉ की डिग्री ली, आज माशाल्लाह वहाँ कई कंपनियों के वो लीगल एडवाइज़र भी हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी नोएडा महानगर के अध्यक्ष भी हैं, वो इसके हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको नियुक्त किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम इरफान अहमद है, आपने देखा होगा वहाँ नाम भी मेरा लिखा है,
मैं 1990 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ और अलग अलग जो है पोलिंग बूथ से लेकर नेशनल लेवल की बड़ी बड़ी कमेटियों में और पार्टी संगठन में रहा हूँ। और हम जो है हम खुद जो है पसमानदा समाज में नहीं आते, हम राजपूत मुस्लिम हैं। मेरे साथ सरफराज अली जी हैं, ये भी राजपूत मुस्लिम हैं। हमारे साथ जिनको हमने हरियाणा प्रदेश का प्रभारी आज नियुक्त किया है, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ। वो भी उसमें नहीं आते, वो भी सैयद फैमिली से आते हैं। लेकिन हमने क्या तय करा कि भाई हमारे जो पसमानदा समाज है, जैसे मेरी बॉडी है, मेरा पूरा शरीर है, अगर मेरा कोई अंग लेफ्ट का राइट का कोई हाथ नस नाड़ी अगर कोई जो है कमज़ोर हो जाएगी तो मेरी पूरी बॉडी कमज़ोर रहेगी। तो इसलिए हम दोनों तीनों भाइयों ने ये तय किया कि भाई हमारा जो अभी बचा हुआ अगर हमारा जीवन है, हमारी बची हुई जो आगे ज़िंदगी है, हम वो पसमानदा समाज के लिए हम तीनों भाई लगाने वाले हैं। वो हरियाणा में लगाने वाले हैं, वो पूरे देश में लगाने वाले हैं, और मैं भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे इनको बढ़ाने वाला हूँ। तो हमारा जो मिशन है, आपने देखा होगा हमारा पंच जो है, ये पंच पिरण है, इस पर जो है अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहला ही है आर्थिक और सामाजिक उत्थान करना पसमानदा समाज का। तो इसमें सारी चीज़ आ गई, जैसे अभी हमारे सरफराज भाई ने बोला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एहसान साहब ने बोला कि भाई हम जैसे सबसे बड़ा जो मसला है वो बेटियों का, इन्होंने बताया। और उसकी शुरुआत भी 2014 में हमारे जो है वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा से ही की थी। और आज अल्लाह का करम है कि जहां 701,000 पे 700 कुछ बेटियां होती थी, आज वो इंशाल्लाह 900 को पार कर गया वो आंकड़ा। हमारा जो सबसे पीछे रहने वाला था हरियाणा, आज वो सबसे ऊपर आ गया। उसके बाद में और बहुत सारे स्टेट आ गए। लेकिन ये जो नाखवंदगी है, जो बराबरी का मामला है, वो हमारी संस्था आकर लेकर चलेगी। और उसका सेकेंड जो सबसे बड़ा पार्ट है वो हमारा एजुकेशन का है। और एजुकेशन के बारे में मैं आपको एक कोट करना चाहता हूँ, जो हमारे प्रॉफिट थे, आखिरी हमारे नबी थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने आज से 1400 साल पहले इस चीज़ की अपील की थी। मैं एहसान अब्बासी, पसमंदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से, और आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि संस्था केवल गरीबों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, शोषित वंचितों के लिए है, जिसकी आज हमें ताकत बनना है, बाजू बनना है, उनका सशक्त करने के लिए संस्था का अभियान चला रहे हैं हम लोग। राजनीति में लाभ उठाना या राजनीति में आना हमारा या हमारे संस्था के किसी पदाधिकारी का नहीं है। हम जन जन तक जाएंगे और उन गरीब मुसलमानों का जो बेचारे अपनी ज़िंदगी कहीं ना कहीं ठेली के माध्यम से, रिक्शे के माध्यम से या और व्यवसाय के माध्यम से वो जाड़ते हैं, वो अपना पेट पालन करते हैं, शिक्षा के लिए, घर के लिए वो तरसते रहते हैं, और जो हमारी योजनाएं हैं वो भी नहीं उनसे पहुंच पाती हैं। तो हम सरकारी योजना को भी लाभ दिलाएंगे और वो जागरूक भी करेंगे। जी, मैं शादाब अली और भाजपा में प्रदेश का प्रदेश मंत्री हूँ, और अभी अभी मुझे जिम्मेदारी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे संरक्षक और इरफान भाई ने जो है हमारे जो वरिष्ठ हैं उन्होंने हमें दिए, भी पूरे हरियाणा का प्रभारी बनाया है। तो उसमें इन लोगों को भी मालूम है कि जो मैंने काम किए हैं, जैसे अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे कोविड में आपने देखा हो जो माहौल बना हुआ था, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, लोग जो है अपने दरवाजे तक नहीं खोलते थे, एक ऐसा भय का माहौल था। उस माहौल में हमने निकलकर, इन्होंने नोएडा में पूरा रात दिन एक करके जो है लोगों को राशन पहुंचाया। मैंने यहाँ गुरुग्राम में जो है जगह जगह जाकर, अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम वो पानी के जो है हमने वहाँ सुभाष चौक पर इंतज़ाम कराया। और फिर जब हम रोडों पर घूमते थे तो लोग ऐसे जो बेचारे जो हमारे ठेले वाले थे, फल वाले, फ्रूट वाले, जो घर घर जाकर जो है उसको सब्जी या फल फ्रूट बेचना चाह रहे थे, तो उनको लोग बड़े परेशान कर रहे थे कि इस सेक्टर में एंट्री नहीं होगी, इस जगह में एंट्री नहीं होगी। तो हम उनको जाकर जो है पुलिस से हमने जो है उस मदद लेकर उनको जगह जगह, कोई आके परेशान कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, कोई उनको धमका रहा है, तो उसकी पूरी मदद हमने की है उस समय में भी हमने जो है।
तो उसी को देखते हुए इन्होंने मुझे प्रेरित होकर और ये सारे काम जो समाज सेवा के हम लोगों ने किए हैं, बाकी जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये भी जानते हैं कि जो मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, मुस्लिम समाज के लिए जो माननीय मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके यहाँ कोई मैंने आज तक भेदभाव नहीं देखा है। जिस बात को आज तक हमने रखा है उनको सिर्फ रखा है और उनको उन्होंने सेकंड भी नहीं लगाया, उसको तुरंत यस किया है। जैसे हम सबसे पहले जब मैं एक साल पहले मुझे अपॉइंट किया था प्रदेश मंत्री माइनॉरिटी में बनाया था, तो तब हम जो है काफ़ी लोग जो है यहाँ से मेवात से और ये गुरुग्राम वगैरह और पूरे स्टेट से लोग जो है वहाँ मुख्यमंत्री जी के घर पर आवास पर पहुँचे थे, तो उन्होंने बाकायदा इनवाइट किए थे माइनॉरिटी के लोगों को। तो वहाँ जाकर हमने जो है सबसे पहले हमने अपनी परेशानी रखी, जो जो परेशानी में मेन प्रॉब्लम ये बताई हमने कि भाई जैसे सब कम्युनिटी के पास में कम्युनिटी सेंटर हैं, वो अपनी जैसे कोई ब्याह शादी कोई प्रोग्राम कोई धार्मिक किसी भी तरह का करना चाहता है तो वो उसमें हमारे पास नहीं है, सब समाजों के पास है। यहाँ पर जिसको भी आप जानते ही होंगे हर समाज के पास में कम्युनिटी सेंटर हैं, तो हमने उसको सीएम साहब से मुख्यमंत्री जी से हमने मांग रखी कि हमें भी वो कम्युनिटी सेंटर दिए जाएँ। तो 5 कम्युनिटी सेंटर मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश किए, पूरे हरियाणा में 5 कम्युनिटी सेंटर वो मेरी हमारी ही मांग पर रखे गए उन्होंने जो है माना। मैं सरफराज अली हज कमेटी का मेंबर उत्तर प्रदेश सरकार में, और जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जेवर वहाँ का मैं प्रभारी हूँ, और नोएडा का भी मैं प्रभारी हूँ अल्पसंख्यक मोर्चे का, वहाँ मेन बॉडी का हूँ और यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चे का हूँ भाजपा से। हमारा जो उद्देश्य है वो शोषित और वंचित दबे कुचले अति पिछड़े उन सब का उत्थान करने के लिए संस्था बनी है। हम अपने लोगों में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे पसमांदा समाज के लोग हैं उनमें बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या क्या उनके बीच की समस्याएं, उनको कलेक्ट कर रहे हैं और उस पर हम विस्तार से काम करेंगे। मैं आने आज हमारे मेहमान जितने भी आज बाहर से आए हमारे घर पे हमारे इस राजीव नगर में, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। RBM न्यूज के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं, पूरे पराक्रम के साथ पूरे जुनून के साथ राष्ट्रभक्ति राष्ट्रवाद स्वदेशी आत्मनिर्भरता अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। सुरेंद्र प्रताप जी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो RBM न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।